हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पैराग्राफ ऑप्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, पिन टू स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इसको ओपन कर लेते हैं। इस पैराग्राफ के जरिए हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ है, फॉर्म बना सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज हम लोग इसको। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट्स का। ये बुलेट्स क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बुलेट्स को चूज करते हैं, जैसे हम लोग इसको ले लिए, अब यहाँ से हम कुछ भी लिखते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, अगला बुलेट्स अपने आप आ जाएगा। देख सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। पहले इसको और कुछ सीख लेते हैं, फिर शॉर्टकट पे सीखते हैं। इसको सेलेक्ट कर दिया, अगर ये बुलेट्स आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे और सारा बुलेट्स दिया हुआ है, देख सकते हैं, अलग अलग है, जो चूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर और इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने और दिया हुआ है, डिफाइन न्यू बुलेट्स में। यहाँ से सिम्बॉल है, कोई भी सिम्बॉल ले सकते हैं। चलिए हम लोग टेलीफोन वाला ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है ये, ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बुलेट्स आ गया। अगर इसमें से कोई भी बुलेट्स पसंद नहीं है तो आप यहाँ से नन कर देंगे। चाहते हैं नंबरिंग लें तो यहाँ से आप नंबरिंग भी ले सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ 1 2 3 4 ABCD कुछ भी आप ले सकते हैं इस तरीके से, है ना। अगर नहीं देना चाहते तो इसको भी क्या कर देंगे, नन कर देंगे। इसके अलावा इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? सबसे पहले आप यहाँ से ग्रेटर देन दीजिए, एक बार टैब बटन दबाइए और कुछ टाइप कीजिए, ऑटोमेटिक आपके सामने बुलेट्स आ जाएगा, देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं। अगर इसको नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपल आप शिफ्ट के साथ स्टार दबाइए यानी और टैब प्रेस कीजिए तो आपका ये बुलेट्स आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ये हुआ बुलेट्स, ये हुआ नंबरिंग। इसमें मिक्स है, बुलेट्स और नंबर दोनों रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, सेलेक्ट कर दिए। यहाँ से आप बुलेट्स भी ले सकते हैं और नंबरिंग भी ले सकते हैं। नंबर आ गया, यहाँ से बुलेट्स आ गया। कुछ भी नहीं चाहते तो यहाँ से आप इसको नन कर देंगे। ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट यानी बाएं साइड से लिखना, सेंटर यानी बीच में लिखना, राइट अलाइनमेंट यानी दाएं साइड से लिखना और जस्टिफाई, इसको बताते हैं बढ़िया से। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना कुछ टाइप किए कुछ लिखना चाहते तो उसका एक शॉर्टकट है, जूम करके दिखाते हैं आप लोग को क्या करना है। आप लोग को इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपके सामने टाइप हो जाएगा कुछ ना कुछ। ये डिफ़ॉल्ट रहता है, हर कंप्यूटर में यही चीज़ टाइप करेगा। इसको सेलेक्ट कर दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग लेफ्ट अलाइनमेंट में बिल्कुल बाएं साइड में बराबर है, सेंटर करने से बीच में इक्वल हो गया, राइट अलाइनमेंट में दाएं साइड बराबर हो गया और जस्टिफाई में दोनों साइड इक्वल रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में हमारा जो मार्जिन है ये कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है इधर, इसको इक्वल करना हो तो जस्टिफाई दोनों साइड इक्वल होगा, लेफ्ट में बाएं साइड, सेंटर में बीच में, राइट अलाइनमेंट में दाया और जस्टिफाई में दोनों साइड इक्वल। उसके आगे हमारे सामने दिया हुआ है लाइन के बीच में स्पेस को बढ़ाना घटाना, यहाँ से लाइन स्पेसिंग है, यहाँ से दिया हुआ सबसे पहले 1.0, यहाँ 1.0 हो गया, इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं लाइन के बीच में स्पेस तो 1.15, इसी तरह से आप जितना करना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर और ज़्यादा ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ से भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, कितना लाइन स्पेस बिफोर कर सकते हैं और ये आफ्टर, इसको ऐसे समझिए। हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग को कर दिए 1.0। अभी हमारा जो माउस का कर्सर है अभी ये सेकेंड नंबर लाइन में, माउस हमारा सेकेंड नंबर लाइन में है, यहाँ से चले गए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, बिफोर करते हैं तो बिफोर में कुमार को नीचे करेगा, और अगर आफ्टर करते हैं तो कुमार और सिंह के बीच में स्पेस देगा, देखिएगा आफ्टर करने के बाद।
और कुछ नहीं करना चाहते तो सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे 1.0। यहाँ से नहीं हुआ कम, यहाँ से जाना होगा आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में और यहाँ से करना होगा ऑटोमेटिक नहीं बल्कि जीरो करना होगा, जीरो, यहाँ भी जीरो पीटी करना होगा और ओके कर देंगे। हमारा एक कहलाता है इंक्रीज इंडेंट, किसी चीज़ लिखे हैं, नंबर लिखे हैं, इसको आप धीरे धीरे राइट साइड की ओर लेके जाना चाहते हैं तो इंक्रीज इंडेंट, इसको ऐसे समझते हैं। इसमें हम लोग चले गए नंबरिंग दे दिए 1, 2, 3, 4। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं कुमार सिंह को, इसको आगे बढ़ाना है तो ये इसको 2, 3 की जगह पर देखिएगा ABCD कर देगा और धीरे धीरे इंक्रीज करेगा आगे की ओर, और इसको डिक्रीज इंडेंट ये लेफ्ट की ओर फिर से वापस आपको लाएगा। हटा देना चाहते हैं इसमें फिर से नंबरिंग तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, नन कर देंगे। इसके आगे सॉर्ट, सॉर्ट क्या है, हम अगर कुछ भी लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए, कुछ भी टाइप कर दिए हैं और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं A से लेकर के Z तरफ, तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और ओके। सबसे पहले A, फिर B, फिर C नहीं है, C से फिर D नहीं है, उसी तरह से K, M, O, R, Z, यानी A से लेकर के Z की ओर लेके गया। अगर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, Z से लेकर के डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए, ओके करेंगे तो ये उल्टा हो गया, जेड से स्टार्ट कर दिया और ए सबसे लास्ट में लाया। ठीक है, ये पैराग्राफ का सिंबल, सब टेक्स्ट के लास्ट में पैराग्राफ का सिंबल आता है, यहीं से हम इसको हटा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन बहुत बड़ा है, इसको अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कवर, इसको बहुत आराम से समझना होगा क्योंकि इसमें आप अगर इसको सीखते हैं तो इससे हम एडमिशन फॉर्म, बहुत तरह का फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इधर कंटिन्यू वीडियो आपका जाएगा, पूरा टॉपिक को धीरे धीरे हम लोग पूरा कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।